तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे, फिट होंगे हमेशा की तरह। तो यार, हम आ चुके हैं अपनी न्यू वीडियो में। इसमें हम करने वाले हैं रिव्यू। रिव्यू करेंगे यार। रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि भाई मैंने जो बोल दिया तुम लोगों ने वही करना है। भाई जो मैं बोलूँगा उसको तुमने सुनना है। सिर्फ सुनोगे तो तुम्हें शायद से तुम्हें कुछ समझ आ जाए, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो यार, हमें क्रोनो का करेक्टर मिल चुका है, जो कि CR7 रोनाल्डो भैया हमें मिल चुके हैं। तो उसका हम रिव्यू कर देते हैं। उससे पहले यार, सब्सक्राइब लाइक वगैरह ये जो लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है ना, मैं छोटे लफ्ज़ों में बोल देता हूँ, कर लेना यार। तो भैया, ये है हमारा क्रोनो करेक्टर, जो मिस्टिक करेक्टर के नाम से आया था एडवांस सर्वर में, जिसको मैंने लाइव में भी सब कुछ उसके बारे में यार A to 1 सब कुछ उसके बारे में बता दिया था। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा बहुत कंपेयर भी करेंगे। कंपेयर करना बनता तो नहीं है किसी को भी किसी से, लेकिन कंपेयर कर देंगे यार, थोड़ा सा कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कर देंगे। अबे ये कहाँ पे क्या? तो भाई साहब, ये इसकी एनिमेशन है यार, क्या ही इसकी एनिमेशन ऐड किए हुए हैं। तो भाई, बंडल और करेक्टर हमें दोनों ही यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे इसको सिंपली ओपन करेंगे, क्लेम कर लेंगे और जाएंगे यार सीधा का सीधा एक गेम में, जिसमें आपको हम कंपैरिजन करते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा भागते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा भगाते हुए नजर आएंगे। देखेंगे यार किस तरह की इसकी स्पीड है, क्या इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये डिसाइड आप लोग खुद ही करोगे। मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको कि यार ये किस तरह से है। तो भैया, यहाँ पे इसको हम करेंगे मैक्स लेवल, क्योंकि यार हमने जब कंपैरिजन करने का सोच ही लिया है तो यार इसको भी मैक्स लेवल का होना चाहिए ना यार, लेवल होना चाहिए, दोनों का सेम टू सेम होने चाहिए यार, मतलब अनफेयर नहीं करेंगे हम। तो इसमें यार हम एबिलिटी अपनी मर्जी से डाल लेंगे, लेकिन हमें इसमें केली की एबिलिटी नहीं डालने वाली। और यहाँ पर मैंने लिया था अपने PRG भाई को, मुनीब भाई को, यहाँ पे इनको कोई शाउट आउट की ज़रूरत तो नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई आप सोचोगे ये साथ वाला बंदा कौन है जिसके पास अभी भी क्रोनो है, हमारे सर्वर में तो अवेलेबल नहीं हुआ। तो भाई इनके 6 लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर आप नहीं जानते, जानते ही होगे, ज़्यादा तो जानते ही होगे, म्यूज़िक वीडियो भी मेरे साथ ही थे। तो यार यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों लगा लेते हैं एक दूसरे के सामने शील्ड, और फिर देने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को डैमेज, जो कि डैमेज नहीं पड़ता यहाँ पे। अब सामने वाला बंदा मुझे 500 का डैमेज दे देता है, मेरी शील्ड टूट जाती है, उसके बाद वो मुझे आसानी से खत्म कर सकता है, यानी कि मार सकता है, जिस तरह से आप गोली चलाओगे और खत्म हो जाएगा बंदा। अब भैया यहाँ पे हम लोगों को कंपेयर मत करने लग जाना, क्योंकि यहाँ पे क्या सिस्टम था, यहाँ पे सिर्फ हम रिव्यू वीडियो बनाने के लिए इसमें आए थे। तो बिल्कुल भाई बच्चों की तरह मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप दोनों शील्ड ले लेते हो, अपना कवर ले लेते हो, तो यार दूसरा बंदा अगर आपकी शील्ड के अंदर आ जाता है तो आपको अंदर आकर मार सकता है वो। अब यहाँ से वो मार रहा है, यहाँ से वो नहीं मार पाएगा, जब शील्ड खत्म हो जाएगी तब वो मार पाएगा। लेकिन अगर आप वो शील्ड के अंदर आ जाता है तो वो आपको बहुत आसानी से मार देगा, शील्ड के अंदर आने वाला बंदा आपको आसानी से मार देगा, सुन लेना है भाई, ध्यान से सुन लेना। और भाई साहब, यहाँ पे मैं आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी और पते की बात बताने वाला हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़रूरी चीज़ मुझे लगी कि यार आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया भाई, दोनों एक ही जगह पे हम पास आ गए, एक ही जगह पे हम दोनों ने अपना जो शील्ड था वो खड़ा कर दिया। एक ही जगह पे शील्ड जब हमने बना दी, तो उसके बाद सामने से मुनीब भाई गए हैं, PRG भाई, वो सामने से मुझे डैमेज देने लगे। और यहाँ पे क्या हुआ भाई, डैमेज दिया उन्होंने मुझे 500 का अलग से और 500 का अलग से, मतलब दो अगर आप डुओ में खेलते हो तो भाई डुओ में आपको 1000 का डैमेज देगी ये शील्ड, अगर दोनों क्रोनो एक जगह पे लगा देते हो, जो कि काफ़ी मतलब एक सही चीज़ है। इसी तरह से 4 बंदे अगर लगा देते हैं तो भाई 2000 का डैमेज, 2000 का डैमेज आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बगैर ग्लू वाल लगाए। लेकिन अगर कोई बंदा इसके अंदर आ जाता है तो भाई वो आपको मार सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसके अंदर आने वाला बंदा आपको मार सकता है आसानी से। तो भैया ये छोटी सी एक एग्जांपल इसकी और भी देख लो, ये यहाँ पे ये बंदा सामने था, उसने मुझे डैमेज देने की कोशिश की, नहीं हुआ, उसके बाद वो आता है अंदर और आकर मुझे मार दे। तो भाई अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा आलोक से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे यार मैंने अपने आलोक वाले फ्रेंड को बुला लिया और उसको बोला कि भाई साहब मेरे साथ दौड़ लगा लो, दोनों ही यहाँ पे दौड़ लगा के भागते हैं, तुम अपने आलोक की एबिलिटी यूज़ करो, मैं अपने क्रोनो की एबिलिटी यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे फिर मैं आपको दूसरी उसकी स्क्रीन से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे यार थोड़ा सा एक कदम मेरा पहले था, लेकिन भाई साहब यहाँ पे आलोक था जो वो काफ़ी पीछे रह गया। लेकिन यार मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये कंपैरिजन कोई इतना ख़ास कंपैरिजन नहीं होने वाला। यहाँ पे हमने बोला कि आप जो आलोक के साथ आप आगे खड़े हो जाओ, हम आपको इतनी छूट देते हैं, आप आगे खड़े हो जाओ। यहाँ पे आगे खड़ा किया तो भाई फिर जो हुआ वो आप खुद ही देख लो, आपके सामने
तो यार यहाँ पे दौड़ वगैरह लगाई और फिर भी एंड टाइम पे जाके मेरा जो कोरोना था वो आगे निकल जाता है यार। लेकिन ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैं आपको बता दूँ, लोग जो है वो अगर आपको कोई गोली मार रहा है और आप कवर में भागने की कोशिश कर रहे हो तो आपका जो आलोक होगा वो आपको प्रोटेक्शन देगा 250 की HP के साथ। 250 की HP के साथ आप लोग जाओगे आगे की तरफ, ये मैं आप लोगों को बता दूं। 250 HP के साथ आप भागोगे, क्रोनो के साथ आप 200 HP के साथ भागोगे। तो भाई ये थोड़ा सा मतलब भागने में क्रोनो आगे निकल गया, लेकिन हेल्थ के हिसाब से अलोक आगे निकल गया। तो भाई मैं आपको ओवरऑल इसकी जो रिव्यू है मैं आपको ये बोलूँगा कि इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। वो अपनी जगह पे अच्छा है, ये अपनी जगह पे अच्छा है। अब आपके गेम प्ले पे डिपेंड करता है आप किस तरह का गेम प्ले करना चाहते हो, किस तरह आप खेलते हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो अपनी जगह पे ठीक है और वो अपनी जगह पे, और आप भी अपनी जगह पे। ये चैनल है ना जो लाइक वाइक के जाना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।